नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद जिले में घर व गली मोहल्ले प्रतिष्ठान में इस बार गणपति प्रतिमा की स्थापना कर 10 दिनों से विशेष पूजा अर्चना का दौर चल रहा था, जो रविवार को प्रतिमा विसर्जन के साथ ही थम गया। डीजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर जगह जगह प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नाथद्वारा के पास उपली ओडन में हाईवे किनारे स्थित द मारुति नंदन ग्रांड होटल परिसर से शोभा यात्रा निकालकर गणपति बप्पा के जयकारों के साथ गणेश प्रतिमा का सोमवार सुबह उपली ओडन के तालाब में विसर्जन किया गया। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई थी और उसके बाद द मारुति नंदन ग्रांड के प्रबंध निदेशक मदन सिंह चौहान के सानिध्य में प्रतिदिन गणेश प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की गई। सोमवार सुबह शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमा को उठाया गया, फिर बैंड के सुर मधुर स्वर लहरियों के साथ शोभा यात्रा रवाना हुई, जो उपली ओडन बस स्टैंड होते हुए तालाब पर पहुंची, जहां गणपति बप्पा के जयकारों के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर द मारुति नंदन ग्रांड के महाप्रबंधक वैभव नागर, गवेंद्र यादव, युग प्रताप सिंह चौहान, पर्वत सिंह कितावत, मान सिंह कितावत, महिपाल सिंह जाला, मंगल सिंह चौहान, प्रवीण राज सिंह चौहान, कृष्णपाल सिंह चौहान, योगेंद्र सिंह मोडवा, ईश्वर सिंह चौहान मोडवा, पंडित दिनेश सहित कई युवा मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। आमेठ शहर में नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा के सानिध्य में शोभा यात्रा निकालकर गजानंद की प्रतिमा का विसर्जन की टिकर के पास स्थित आडावाला आश्रम के सीम सागर में किया गया। सिद्धि विनायक मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष मनोहर सिंह राठौड़, पुजारी पप्पू दास वैष्णव, माधव सिंह पवार सहित बड़ी तादाद में श्रद्धालु साथ में चल रहे थे और ढोल नंगाड़े व बैंड के सुर मधुर स्वर लहरियों पर थिरकते हुए चल रहे थे। इससे पूर्व मंदिर परिसर में विशेष यज्ञ अनुष्ठान हुआ, जिसमें यजमानों ने आहुतियाँ दी। केलवा में गणपति मित्र मंडल द्वारा चल रहे गणेश महोत्सव का समापन हुआ। गांव में घर घर व गली मोहल्लों में करीब 100 गणपति प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकालकर गणपति बप्पा के जयकारों के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गणेश चौक से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो चारणा की खाली सदर बाजार होते हुए दोली बावड़ी से सूरज पोल देवतालय पहुंचकर गणपति की महाआरती की गई। उसके बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रमेश बोराणा, सुरेश सोनी, कमलेश पालीवाल, कार्तिक सोनी, मनीष गांग, नीलेश पालीवाल, महेश साहू, सागर साहू, चंद्रेश साहू, सुनील साहू, दिनेश बोराणा, राहुल जैन, जहेश साहू, राकेश तेली, रोशन लक्षकार, लायन सांकला, अंशुल जैन, हरिओम सोनी, हर्ष सोनी आदि मौजूद थे। आमेठ ब्लॉक के आगरिया गांव में अच्छी बारिश एवं खुशहाली की कामना को लेकर कुमावत समाज द्वारा चारभुजा मंदिर आगरिया में अखंड रामधुन का समापन हुआ। इस दौरान जड़ोल के महंत सीताराम दास, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, श्याम सिंह राठौड़, खुमान सिंह राठौड़ सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौजूद थे। अखंड रामधुन के समापन पर गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में ग्रामीण महिलाएं एवं श्रद्धालु साथ में चल रहे थे और साथ में भगवान चारभुजानाथ का विवाण भी था, जिसके दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु लालायित दिखे। क्रेजी खंडा पर चलने वाले मोटर मालिकों की केलवा चौपाटी पर विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में यूनियन की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद श्री नवल श्याम गौशाला के लिए 1,11,111 रुपये की राशि यूनियन संरक्षक दिग्विजय सिंह राठौड़, रामचंद्र पालीवाल, यूनियन अध्यक्ष लक्ष्मण गुजर, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण चारभुजा,
सचिव शोकिन सिंधी द्वारा नवलश्याम श्रीकृष्ण गौशाला केलवा के अध्यक्ष रामलाल पालीवाल को सौंपी गई। इस दौरान बैठक में बसंत तेली, धर्म सिंह गुजर, अमर सिंह, गुमान सिंह, गोपीलाल, यासीन, इकबाल भाई, नारायण गुजर, सुरेश दास, मोतीलाल, मोहन, दिनेश रेगर, पोकर आदि लोग मौजूद थे। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार मोलेला व हेल्थ प्लस फिजियोथेरेपी सेंटर नाथ द्वारा की ओर से मोलेला में आयोजित विशेष शिविर में 108 लोगों के थेरेपी कर उपचार किया गया। मोलेला सरपंच सीमा जैन व दिनेश सोनी के सानिध्य में शिविर का शुभारंभ हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग प्रवक्ता कैलाश प्रजापत ने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञों ने रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार किया और साथ ही रोगों के स्थायी निदान के लिए विशेष परामर्श भी दिया गया। इस दौरान डॉक्टर राजेश रेगर, डॉक्टर यशपाल पुरोहित, डॉक्टर शिवम सनाडी, किरण शीतल, निर्मल व कौशल ने सेवाएं दी। प्रवीण सनाडी ने बताया कि आगामी 17 अक्टूबर को रक्तदान शिविर आयोजित होगा जिसमें अधिकाधिक लोगों को रक्तदान करने का आह्वान किया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के तरुण कोठारी प्रताप सिंह, नानालाल तेली, दिलीप सिंह बल्ला, ललित कोठारी, रमेश कोठारी, रंजित माली, बेराबा सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। साबरमती से राजघाट के लिए निकली सीआरपीएफ जवानों की साइकिल रैली नाथद्वारा पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यह रैली उदयपुर पहुंची थी, पहले जहां गांधी मैदान में उनका स्वागत हुआ, फिर सुबह फतेहसागर झील पर फ्लैग मार्च होने के बाद उदयपुर से रवाना हुई, जो फिर नाथद्वारा शहर पहुंची, जहां पाटीदार सेवा समाज द्वारा उनका स्वागत किया गया। साथ ही जवानों ने नाथद्वारा में शिव प्रतिमा व 120 फीट रोड का भ्रमण किया। जवानों का कहना है कि साबरमती से राजघाट का सफर साइकिल से तय करेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर देश के चारों कोने जम्मू, कन्याकुमारी, साबरमती व असम जौहर हॉट से जवान साइकिल रैली से आ रहे हैं। सभी जवान राजघाट पहुंचकर गांधी जयंती मनाएंगे। के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आपको विदित है कि आज़ादी के 75 वर्ष का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है पूरे विश्व में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसी क्रम में ये जो पहल हमारे प्रधानमंत्री जी ने ली है और गृह मंत्रालय के निर्देश पे जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं वो देश के विभिन्न कोनों से ये साइकिल रैली और अन्य प्रोग्रामों का आयोजन कर रहे हैं। उसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि आज देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को देख रहा है, उसकी जिम्मेवारी है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उस बल के द्वारा 4 रैलियों का आयोजन किया गया है। पहली रैली जो है वो हमारी कन्याकुमारी से दक्षिण से शुरू हुई है, दूसरी रैली हमारी पूर्व उत्तर से जोरहाट से शुरू हुई है और तीसरी रैली जो अभी आप यहाँ पर नाथ द्वारा में आज पहुँची है ये साबरमती आश्रम से शुरू होके कल उदयपुर पहुँची थी और आज उदयपुर से नाथ द्वारा पहुँची है और चौथी रैली जो है हमारी वो जम्मू प्रदेश से यानी कि उत्तर से चल के, और ये जितनी भी साइकिल रैली हैं ये 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली में संपन्न होंगी। तो इसका मुख्य मकसद ये है कि देखिए हमारे वीर सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, तो आज इन रैलियों के माध्यम से हम उनको नमन करना चाहते हैं, उनको सम्मानित करना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं और साथ ही आज के जो हमारे युवा हैं, हमारे जो देश के वीर सिपाही हैं जो अर्धसैनिक बलों में हैं, सेना में हैं, इनके अंदर भी एक देशभक्ति का वैसे ही इतना अधिक जज्बा है पर ये सब करके उसमें और भी वृद्धि होती है और उनका मनोबल बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है और साथ ही पूरे देश में जहाँ जहाँ से ये गुजरेंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इसका सीधा असर हमारे युवाओं पर होगा और हमारे देश का जो गौरवशाली इतिहास है, हमारे देश का जो विकास है, हमारे देश ने जो इतनी तरक्की की है वो भी हमारे युवाओं के सामने आएगी और उनके अंदर एक विश्वास की भावना पैदा होगी, उनको देश के लिए कार्य करने के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी और एक खुशी का हर्षोल्लास का कि आज हम जिस आज़ादी को हासिल करके और हमारा देश इतना विकसित हुआ है।
इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।